मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ ने कहा, आज से हर तहसीलों पर जिले की टीम द्वारा कोरोना संक्रमित व्यक्ति का कराया जाएगा रैंडम। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ ने बताया कि सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार आज से हर तहसीलों पर जिले की टीम जाकर कोरोना संक्रमित जो भी संदिग्ध मरीज होगा उसका रैंडम सैंपलिंग किया जाएगा। और उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों पर भी जो प्रवासी लोग जांच करा रहे हैं वह खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। हमारा स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। अच्छा सर, जो समय अभी तक कितने प्रवासी लोगों की स्क्रीनिंग कराई गई है? जो भी संक्रमित है, जो भी इसमें संक्रमित आ रहे हैं, जो भी संख्या हम लोग करा रहे हो, आज से हर तहसील गाइडलाइन कल आई है और हर तहसीलों में हमारी टीम गई हुई है और वहाँ देख के जो भी संक्रमित रहेंगे, जिनकी हिस्ट्री रहेगी, उनका हम रैंडम सैंपलिंग कराएंगे। जैसा कि देखने में आ रहा है कि CHC वगैरह में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कराया जा रहा, लंबी लंबी लाइनें लग रही है उसके भी संख्या। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जनता का स्वयं करना हो, ये सबको अपने अंदर भाव आना चाहिए कि इस महामारी से बचने के लिए जो नियम है उसका हम फॉलो करें। तो आम जनता से भी हमारी अपील है, क्योंकि इतना पुलिस बल नहीं है कि सबको फॉलो कराया जाए, तो आम जनता से अपील है कि ये स्वयं आप सोशल डिस्टेंसिंग का जो भी मानक है उसको फॉलो करें, मास्क लगावें, थोड़ा दूरी बना के रहें और अधिक से अधिक अपने घरों में ही रहें जब तक आवश्यक न हो बाहर ना जाए। If you like this video, please share and subscribe our channel. Also, don't forget press the bell icon for regular updates.